अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और अपडेट दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें CTET का रिजल्ट। अगर आपने CTET का पेपर दे रखा है तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से दोस्तों आप तुरंत अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने दोस्तों का रिजल्ट भी चेक करना है तो उसको तुरंत अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे DLED तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख, आप लोगों का बैक पेपर कब तक होगा, स्कूटनी का दोस्तों रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, जो दोस्तों 2019 में प्रथम सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया गया उसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। एक और अपडेट निकल कर आई आज कि सरकार ने दोस्तों जो BEd और BTC के छात्रवृत्ति पर लगी रोक हटा ली है। तो गाइस, आप लोगों के लिए बड़ी कुछ खबरी है, तो अब आपका पैसा आएगा। देखिए, कोरोना के समय दोस्तों और कुछ मैटर और हो गया था कि काफी प्राइवेट कॉलेज वाले धांधली बहुत करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर दोस्तों BEd और BTC में, तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। एक और अपडेट दोस्तों कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र में नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी अपडेट है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के आते हैं या हम ये कह सकते हैं EWS कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो क्या मैटर उसको देखेंगे। फिर 69,000 भर्ती में दोस्तों इंटर के बाद DLED पास को नियुक्ति न देने पर जवाब तलब हुआ है, क्या मैटर है इसको देखेंगे। फिर कुछ बच्चे फर्जी डिग्री वाले होते हैं, देखिए फर्जी BEd डिग्री वाले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हजारों टीचरों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो भी टीचर हैं फर्जी वाले उनको निकाल दिया जाएगा, कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। फिर शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन दोस्तों अब मार्च में ही आने के आसार हैं, जानिए कहां पर फंसा है पेज। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को देखेंगे। एक और गाइस अपडेट थी हमारी दरोगा भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे परेशान है कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन, योग्यता, सैलरी, चयन का तरीका समेत आवेदन हेतु खास खास बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हमने आपको एक बात कही थी, अगर सरकारी नौकरी आपको कहीं से भी मिल रही है ले लो, लपक लो, रख लो। गाइस, इसका रीजन हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो ये हमारी दरोगा भर्ती आ रही है ना, इसका कंपटीशन शिक्षक भर्ती से दोस्तों लाख गुना कम होता है। अब आप कहेंगे कैसे। पहली बात दोस्तों, इसमें कुछ चीजें मांगी जाती हैं जो सबके पास नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, देखिए जो कि हमारा एक एक करके आपको बताते हैं, योग्यता दोस्तों आ गई। योग्यता तो चलिए सबके पास होगा DLED छात्रों में, क्योंकि सिंपल से इसमें योग्यता मांगी गई है कि सभी बच्चों को ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे DLED या BEd का कोर्स करते हैं बिना ग्रेजुएशन के तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, अब दोस्तों बच्चे छटेंगे कहाँ से। स्टार्टिंग दोस्तों होता है आयु सीमा से, एज लिमिट है दोस्तों 21 साल से लेकर 28 साल तक। अब DLED 2019 बैच के जो छात्र होंगे ना, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी भी एज 21 साल नहीं हुई होगी। तो देखिए गाइस, मिनिमम एज में कोई भी छूट आपको नहीं दी जाती। अगर आप 21 साल के होंगे तभी आपको मौका मिलेगा, अगर आप एक दिन भी कम रह जाते हैं तो फिर मौका नहीं बनेगा। इसको जरा देखिए, जो दोस्तों आपका एज काउंट होगा, ठीक है, देखिए आपका जो जन्म हुआ था अगर 1 जुलाई 1993 से पहले हुआ है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, और 1 जुलाई 2000 के बाद भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के दोस्तों जितने बच्चों का जन्म 1 जुलाई 2000 के बाद हुआ है उनको मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आपका जन्म इससे पहले हुआ है तब तो आपको मौका मिलेगा। एक बात और यहाँ पर खास है, पता है क्या है कि गाइस, जो मैक्सिमम एज होती, जैसे यहाँ पर 21 से 28 साल दी गई है, तो 5 साल के दोस्तों आपको छूट भी दी जाती है, तो 21 से आप 33 साल तक जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम में कोई छूट आपको नहीं दी जाती। अब देखिए एक और अपडेट आती है, कद काठी संबंधी योग्यता क्या होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए DLED में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके हाइट, लड़कों की बात कर रहे हैं, 168 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वो बच्चे सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। अब सीना की दोस्तों बात कर लेते हैं, चेस्ट कितना होना चाहिए। देखिए बिना फुलाए दोस्तों लड़कों का जो सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर वो 84 तक। ध्यान रहे कि दोस्तों कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए दोस्तों जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर, कम से कम उससे कम है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो देखिए यही सब फायदा होता है, जो पुलिस की वैकेंसी आती है दोस्तों, आर्मी में आती है, इसमें कुछ चीजें अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए गाइस इनका कंपटीशन आसान होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सुपर टेट का। तो दोस्तों जो हमारा सुपर टेट का पेपर होता है या यूपी टेट CTET का आपने पेपर दे रखा है, यहाँ पर ऐसा कोई फिजिकल वाला योग्यता नहीं है, यहाँ पर तो फिजिकल हैंडीकैप तक के छात्रों को मौका मिलता है। जो बच्चे विकलांग होते हैं वो भी दोस्तों यहाँ कंपटीशन में होते हैं, तो इसका कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है। ठीक है,
तो इसमें नौकरी पाना मुश्किल है, लेकिन दरोगा भर्ती जैसी कितनी भी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, उसमें नौकरी पाना बहुत ही आसान है। जो बच्चे डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप योग्य हैं, अगर आपके पास परफेक्ट हाइट है, ठीक है, आपके पास जो सीना दोस्तों मांगा है उतना अगर आपका है, तो आप उसके लिए आवेदन जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि डीएलएड और बीएड के छात्र इसमें आवेदन करेंगे तो फायदा इनको आसानी से आपको मिलेगा। जो बच्चे दोस्तों सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल हलवा होगा यूपीएसआई निकालना, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब दोस्त एक एक करके और आज के अपडेट्स को हम देखेंगे। अब चलिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरा देख लेते हैं, कहाँ पेज पत्र है। अपडेट आई है प्रयागराज से, एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का पेज फंसा है। इन शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से भर्ती अटकी है। उधर दोस्तों विपक्ष व खासकर सरकार शिक्षक विधायक सरकार पर हमलावर है, प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में दोस्तों कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। उहापो में इस माह में भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं है, बल्कि अब मार्च में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो गाइस ये देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही थी 15,508 पद, कुल मिला के दोस्तों हर एक वैकेंसी में कुछ ना कुछ मामला फंसता है, प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं बच्चे। तो गाइस बड़ी दिक्कतें होती है, देखिए नौकरी पाने इतना आसान है, जहां पर भी नौकरी आ जाए आप लोग ले लीजिए, ठीक है। बाकी आजकल आप देख रहे हैं इतनी तेजी से निजीकरण हो रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल बच्चे परेशान हो गए कि अब होगा क्या आगे, भविष्य सबको अपना खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी का कोई मतलब नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि हम प्राइवेट नौकरी करके जी लेंगे, पैसा कमा लेंगे, क्या मतलब है दोस्तों, जब अगली बार लॉकडाउन लगा ना तो आपको याद होगा लॉकडाउन में सिर्फ सरकारी नौकरियां बची, प्राइवेट वाली कंपनियां तक बंद हो गई नौकरी की, तो भाई भगवान भरोसे। इस अपडेट को जरा देख लीजिए, सरकार ने दोस्तों बीएड और बीटीसी की छात्र भर्ती पर रोक हटा ली है। अपडेट लखनऊ से, प्रदेश सरकार ने बीएड व बीटीसी की छात्र भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। इससे दोस्तों छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। घपलों की आशंका पर वित्त विभाग ने बीएड बीटीसी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पर रोक लगा दी थी, अब सरकार ने रोक हटाते हुए सशर्त छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। बीएड व बीटीसी के निजी संस्थानों के सभी मानकों की 100% जांच व सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा ने की ओर से मतलब जारी आदेश के मुताबिक पूर्व में गठित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में निजी संस्थानों की 8 बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी। बीटीसी संस्थानों की मान्यता संबंधी जांच बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गठित और बीएड व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता संबंधी जांच उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति करेगी। तो गाइस जांच वाच होगी, उसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। दरोगा भर्ती के दोस्तों चलिए हम बता देते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे होगा आपका 42,000 रुपये। कद काठी दोस्तों हमें बता दिया, लड़कों की मैक्सिमम हाइट 168 मिनिमम है दोस्तों, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, कम से कम इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो बच्चे एसटी कैटेगरी का है उनको लिए छूट है 160 सेंटीमीटर, लेकिन जनरल ओबीसी एससी के लिए सेम है। सीना दोस्तों बता दिया, देखिए एक चीज और थी महिलाओं के लिए दोस्तों, वजन को भी यहाँ पर क्राइटेरिया में रखा गया, सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, अगर आपका मतलब वेट 40 से भी कम है तो लड़कियां बाहर हो जाएंगी। लिखित परीक्षा का दोस्तों पैटर्न आपको पहले बता देते हैं। देखिए दोस्तों जिस बार लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की होने वाली, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की दोस्तों इस ऑनलाइन परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों का एक एक प्रश्न पत्र होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा। एक तो सामान्य हिंदी होगा जिसमें डीएलएड के छात्र बाजी मारेंगे, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान पर भी दोस्तों डीएलएड के छात्र बाजी मार सकते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। गाइस डीएलएड छात्रों के लिए बिल्कुल हलवा पेपर होगा ये, ठीक, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, देखिए 2017 बैच भी है, 15 बैच भी है बीटीसी का, 18 बैच भी है, जो बच्चे तैयारी में हैं उनके लिए पेपर हलवा होगा। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं तो उनकी तो बात ही अलग है। एक और दिक्कत आएगी, देखिए बहुत से बच्चे तो अच्छे होंगे, पढ़ सब कुछ निकालेंगे, लेकिन अब बात आती है रेस की, अब दौड़ कैसे निकालेंगे। पुरुषों के लिए 204.8 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 202.4 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 16 मिनट में, इसको भी तो पूरा करना है। तो ये सर दोस्तों पूरा मैटर, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, आवेदन की फीस 400 रुपये होगी। हम तो कहेंगे गाइस अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो 400 रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। डीएलएड में जब आप 41,000 रुपये लगा सकते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये कौन सी बड़ी बात है।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र में नहीं मिलेगी छूट। जरा देखिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है। जब मांग के मुताबिक पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों में संसद में यह जानकारी दी थी। तो गाइस, अगर आप EWS कोटा के अंतर्गत आते हैं तो खाली आपको भैया 10% का आरक्षण मिल रहा है, बाकी आप ऐसा मत सोचिएगा कि जनरल जो बच्चे हैं मतलब ये सोचेंगे यार ठीक है हमें आयु सीमा में छूट मिल जाएगी या कुछ और, पैसा भी कभी कभी कम लगता है ना, तो कहीं और छूट इनको नहीं मिलेगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, और भी अधिक अपडेट के साथ बातें होती रहेंगी। अब चलिए बात कर लेते रिजल्ट विजल्ट, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख, जी हाँ दोस्तों बच्चे परेशान। देखिए आपको बता दें 1 मार्च से बहुत से दोस्त ऐसे स्कूल होने वाले जहाँ से टीचिंग शुरू होगी, ठीक है ना, जहाँ पर टीचिंग शुरू होने वाली। तो गाइस आप लोग टीचिंग को लेकर भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा, 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है तो 30 दिन या 30 से ऊपर ही दिन चलती है आपकी टीचिंग। देखिए जो वर्किंग डेज होता है उसी को काउंट करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो भैया आपका पूरा मार्च अप्रैल तक टीचिंग चला जाएगा, फिर पेपर कब होगा। तो गाइस अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आवाज़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसा रहा तो पेपर में जितनी ज़्यादा देरी होगी आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उतने ज़्यादा दूर होते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं गाइस कि आपको मौका मिले नई भर्ती में तो थोड़ा सा मतलब ध्यान आपको रखना पड़ेगा ठीक है। बाकी स्कूटनी का जो रिजल्ट विजल्ट आएगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे, सारा लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसको आप चेक करते रहिएगा। और देखिए जो हमारा सीटेट का रिजल्ट आया था ना वो आपके सामने हम रख देते हैं कि रिजल्ट कैसा दिख रहा था। इस बार दोस्तों जो सीटेट का रिजल्ट आया, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखे होंगे, अगर आपने पेपर 1 दिया तो ऐसा दिख रहा होगा, पेपर 2 का दोस्तों ये रिजल्ट है ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे उनके लिए पासिंग मार्क 90 नंबर, EWS में भी दोस्तों 90 नंबर। उसके बाद दोस्तों जो हमारे बच्चे आते हैं OBC कैटेगरी में, SC में, ST में या फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं, इनको पास होने के लिए दोस्तों कितने नंबर चाहिए होते हैं, 82 नंबर ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिए, 82 और 90 नंबर। और उसके बाद दोस्तों जो सीटेट का रिजल्ट आया था, देखिए 16 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे पेपर 1 के लिए, 14 लाख पेपर 2 के लिए, 16 लाख में से सिर्फ 4 लाख बच्चे पास होते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में 2,39,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितने ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो पास करना मुश्किल होगा ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं।